हर किसी के अंदर एक हुनर होता है, बस जरूरत है उसे पहचान कर निखारने। देश के युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इस साल भी दिल्ली में राष्ट्रीय उद्यमशीलता पुरस्कार का आयोजन किया गया। आज ये संपूर्ण जो एवार्डी हैं यहाँ उपस्थित हैं, उनमें संपूर्ण भारत झलक रहा है। सुदूर मणिपुर, नागालैंड, महाराष्ट्र की विभिन्न इलाकों, दक्षिण के विभिन्न इलाकों और उत्तर और मध्य सब जगह का प्रतिनिधित्व यहाँ हुआ है उद्यमियों के चयन में, उद्यमियों के आगे आने में। देश के सभी क्षेत्रों से चयनित हुए इन सभी विजेताओं को ये खुशी थी कि सरकार ने इन्हें सम्मान दिया है। बहुत ही खुश नसीब हूँ कि सरकार ने हमें चुना इस अवार्ड के लिए, और इससे जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आज अगर हम 300-350 लोग हैं तो जो सरकार ने हमें प्राइज मनी दिया है उससे हम कम से 600 लोगों को और जोड़ें अपने साथ और उन्हें भी आगे बढ़ाएं। ऐसे लोग जिन्होंने दूसरों को पहचान कर अपनी चाह को जीने की राह बनाया और बुलंद हौसलों के परों से आसमान छू लिया, ऐसे प्रेरणादायक सभी वर्ग के युवाओं को प्रारंभिक पूंजी निवेश की क्षमता के आधार पर और सभी युवा इस प्रतियोगिता में भाग ले सकें, इसके लिए अवार्ड को 3 भागों में बांटा गया। इसके साथ ही महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग और दुर्गम क्षेत्र के उद्यमियों को स्पेशल कैटेगरी में स्थान दिया गया। आपकी बात दीपराज राणा के साथ हर शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन पर। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल, कौशल भारत, कुशल भारत।